हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त हम आ चुके हैं खूनी चौराहा, जो कि कुंडा प्रतापगढ़ में है, और खूनी चौराहा से आज हम जाएंगे बाबा झारखंड धाम। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को दिखाते हैं बाबा झारखंड धाम कहाँ है। बाबा झारखंड धाम बिल्कुल पास में है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं खूनी चौराहा से हम। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं इस वक्त हम खूनी चौराहा पर खड़े हैं। अभी हम खूनी चौराहे से अंदर एक रास्ता गया है बाबा झारखंड धाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं बाबा झारखंड धाम। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि अगर आप कुंडा रेलवे स्टेशन से खूनी चौराहा पहुंच जाएंगे तो आप वहां पर जाकर पूछ सकते हैं लोगों से कि बाबा झारखंड धाम किधर है। बाबा झारखंड धाम खूनी चौराहे से बिल्कुल पास में पड़ता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने बाबा झारखंड धाम मार्ग दिखाया गया है, इधर से हमें मुड़ना है। तो पहले फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं बाबा झारखंड द्वार। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को दर्शक आते हैं बाबा झारखंड द्वार के लिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, इस वक्त हम बाबा झारखंड धाम द्वार के बाहर ही खड़े हैं। चलिए फ्रेंड्स, एंट्री करते हैं धाम के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शायद आपको ये देखिए हनुमान जी के दर्शन होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हनुमान मंदिर है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, हमने हनुमान भगवान के दर्शन कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स, इस वक्त हम आ चुके हैं मेन मंदिर के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं भोले भंडारी जी का डमरू है, त्रिशूल है। देखिए फ्रेंड्स, और साथ में ये शिवलिंग है, ओपन नाग देवता है, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सामने जो आपको दिख रहा है यज्ञ स्थान है, यहाँ पर यज्ञ किया जाता है, आप सभी देख सकते हैं इसे। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये है नंदी भगवान। नंदी भगवान हमेशा मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, ये हमेशा मंदिर की देखरेख करते हैं, इसलिए इन्हें मंदिर के सामने बिठाया जाता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, नंदी भगवान इस वक्त मंदिर के सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं। और इधर देखिए फ्रेंड्स, इसका शिलान्यास कब किया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे और भगवान के दर्शन आप सभी कराते हैं और हम खुद भी करते हैं। तो ये देखिए, इधर हनुमान जी विराजमान है, जय श्री राम। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इस वक्त, और ये सामने शनिदेव भगवान का मंदिर दिख रहा है। चलते आगे, जय शनिदेव महाराज की जय हो। और शनिदेव भगवान सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। और इधर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए शनिदेव भगवान जी के सामने घंटी लगाई गई है, आप आइए घंटी बजाइए, भगवान जी के दर्शन करिए। और ये फिर सामने देख सकते हैं आप, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी हैं, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कुआं भी है, इस मंदिर के अंदर एक कुआं भी है। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर गणपति बप्पा भी विराजमान है, आप सभी गणपति बप्पा जी के दर्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है माता पार्वती जी का मंदिर, आप सभी माता पार्वती जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए, इधर साथ में गणेश भगवान भी हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाई गई है, और साथ में देखिए फ्रेंड्स यज्ञ स्थान भी दिया गया है, आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। और आप सभी को फ्रेंड्स हम ये बता दें, अगर कोई पर्व होता तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत ही ज़्यादा भक्तगण आते हैं इधर।
आज तो भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन जब भी कोई पर्व होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। काफ़ी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या हरा भरा पेड़ है यहाँ पर। इस वक्त मौसम भी बहुत बढ़िया, हरे भरे पेड़ आपको दिखाई देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर शेरावाली माता जी विराजमान है, आप सभी माता जी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मंदिर के बाहर चलते हैं, बाहर का एरिया देखते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जानवरों के लिए भी घर बनाया गया, और ये है कुआं। और फ्रेंड्स, ये मंदिर के बाहर जो कुआं है इसमें पानी नहीं है, ये सूख चुका है बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स, मंदिर के बाहर काफ़ी एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया, यहाँ पर सड़क भी बन रही है अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो आज की यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।